गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नेक्स्ट सीरियल स्टार्ट करते हैं, दैट इज पी। पी का वर्टिकल लिंक क्या है मिस्टर? पाइसम से डायमंड होते हैं, इसे वैरायटी बता रहा है। हॉटलेंस गार्डन पी है, पाइसम से डायमंड वैरायटी। अर्बन्स फील्ड पी बोला जाता है, जैसे फैमिली इसकी, लैंग्वेज इसकी, ऑरिजिन इसकी। इथोपिया में हुआ था, क्रोमोसोम नंबर इसके 40, इंक्लूडिंग सेल्स रेसिंग। टाइप ऑफ पॉट, लीडिंग स्टेट इन इंडिया यूपी, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन 7.4% और 20-25% पल्सेस में, और ग्रीन कॉर्न जो होते हैं उसमें 7.2% होता है। इंट्रोडक्शन देखते हैं बच्चों की, द फेमस प्लांट नेम इज जी एच मेंडल बर्ग लॉ, मेंडल लॉ एंड जेनेटिक प्रिंसिपल इज अ नोबल एंड एरिस्टोक्रेटिक वेजिटेबल। ये मैंने आप लोगों को बता रखा है, पूरा मेंडल लॉ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपको मैंने बताया था कि उन्होंने पी प्लांट में ही लिया था। द क्रॉप इज कल्टिवेटेड फॉर इट्स टेंडर एंड इमैच्योर पॉड फॉर यूज एज वेजिटेबल एंड मैच्योर ड्राई पॉड्स फॉर यूज एज पल्सेस। ठीक है, इन बोथ केसेस सीड आर सेपरेटेड एंड यूज एज वेजिटेबल और पल्सेस। इसके सीड्स जो होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं और उसको पल्स के फॉर्म में भी यूज करते हैं और वेजिटेबल के फॉर्म में भी यूज करते हैं। पी आर हाईली न्यूट्रिटिव एंड कंटेन हाई कंटेंट ऑफ डाइजेस्टिबल प्रोटीन 2 ग्राम पर 100 ग्राम एट टेंडर स्टेज एंड 23-25 एट ड्राई स्टेज। कार्बोहाइड्रेट 2-8 ग्राम होता है। विटामिन सी जो है 9 मिलीग्राम होता है, फास्फोरस 1-3-9 मिलीग्राम एंड मिनरल्स होते हैं। टेंडर सीड्स आर आल्सो यूज्ड इन सूप। किसमें यूज किया जाता है? सूप में यूज किया जाता है। कैन फ्यूजन एंड डिहाइड्रेट पी आर वेरी कॉमन फॉर यूज ड्यूरिंग ऑफ सीजन। देखिए ऑफ सीजन में भी कैन का फ्यूजन और डिहाइड्रेट को यूज किया जाता है। लाइक एनी लेग्यूम क्रॉप, पी इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ड्यू टू इट्स सॉइल एनरिचिंग एंड कंडीशनिंग प्रॉपर्टी के कारण इसको इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। वैरायटीज में जो इसकी काफी सारी है, पी कल्टीवेट्स ग्रो इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एग्जिबिट वाइड वेरिएशंस इन हाइट ऑफ स्टेम, ब्रांचिंग, रूट साइड, सीड पर और सेलिंग परसेंटेज, स्मूथनेस ऑफ सीड, स्मूथ एंड रिटर्न। ये इस रीजन से क्या होता है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे इसको ग्रो किया जाता है। ठीक है, द कल्टीवेटर्स एंड वैराइटीज आर ग्रुप बेस्ड ऑन वेरियस करेक्टर एज गिवन बिलो, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग इसको ग्रुप किया गया है। बेजर और मेच्योरिटी पीरियड के अकॉर्डिंग, अर्ली टाइप, मिड सीजन टाइप और लेट मेन सीजन टाइप। अर्ली टाइप जो होता है ग्रीन कॉर्न विल बी रेडी फॉर हार्वेस्ट बाय 65 डेज आफ्टर सोइंग। मिड सीजन टाइप जो होता है वो विल बी रेडी फॉर हार्वेस्ट बाय 85-90 डेज आफ्टर सोइंग। और लेट मेन सीजन टाइप का ओट्स विल बी रेडी फॉर हार्वेस्ट बाय 110 डेज आफ्टर सोइंग। बेस्ड ऑन हाइट ऑफ प्लांट, बुश और ड्वार्फ टाइप, मीडियम टॉल एंड ट्रॉन, ये इन प्लांट बेस के हाइट के अकॉर्डिंग हो गया। यूजुअली ड्वार्फ टाइप का अर्लियर और मिड सीजन टाइप का मीडियम टॉल, लेट टाइप का टॉल एंड वाइड सपोर्ट होता है। अभी बता रहे डेवलपिंग इंस्टीट्यूट्स जो अलग अलग है, जिनमें अलग अलग वैरायटी को ग्रो किया गया है, जैसे ये बता रहा है IIHR बैंगलोर जो कि अर्का अजीत रेजिस्टेंस टू पाउडरी मिल्ड्यू एंड रस्ट मिल 10 टन पर हेक्टर इन 19 डेज। UN 536 स्नैप पी वेयर द होल बॉडी इज एडिबल, पूरा का पूरा बॉडी खाने के काम आता है। ये 8-9 टन पर हेक्टर इन 19 डेज। इस तरह से बच्चों और भी इसकी बहुत सारी वैरायटीज है, आपको 2 या 3 याद करनी है, मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ। इन एडिशन टू अबव इंप्रूव वैरायटी कल्टीवेटर्स लाइक असाउची, अलास्का, मैट्रियोर, अर्ली बैचर एक्सेट्रा आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर अमंग फार्मर्स। क्लाइमेट का जो कैसा रहना चाहिए, कि टिपिकली कूल सीजन क्रॉप एंड थ्राइव्स वेल इन कूल वेदर। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन इज 22 डिग्री सेंटीग्रेड, इवन दो सीड जर्मिनेट एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके सीड जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे जर्मिनेट होते हैं। स्पीड ऑफ जर्मिनेशन इज लेस, अ हाई टेम्परेचर डिले, सॉरी डिके ऑफ सीड लीकेज मोर। हाई टेम्परेचर पर सीडलिंग जो होती है वो सीडलिंग का डिकेज जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप इज टॉलरेट टू फ्रॉस्ट, अर्ली स्टेज जो है वो टॉलरेट कर लेती है फ्रॉस्ट स्टेज को, बट फ्लावरिंग एंड फूड डेवलपमेंट आर एडवर्स अफेक्टेड बाय फ्रॉस्ट। ऑप्टिमम मंथली मीन टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट इज 10-18.3 डिग्री सेंटीग्रेड। एज टेम्परेचर इंक्रीज इन मैच्योरिटी इज हैस्टर्ड एंड यील्ड इज रिड्यूस्ड। टेम्परेचर यदि उसी में बढ़ाते हैं तो मैच्योरिटी भी हैस्टर्ड होती है और यील्ड भी कम होती है। क्वालिटी ऑफ पॉट प्रोड्यूस इज ऑल्सो लो एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ सुगर
for various agriculture, industrial,
पॉइंट जूट इसमें बास्ट फाइबर, किस तरह का फाइबर है? बास्ट फाइबर मेनली फ्लोएम से मिल रहा है, ऑब्टेनिंग फ्रॉम द सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ टू स्पीसीज ऑफ जीनस कॉर्कोरस। जूट ड्रैग सेकेंड इन इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टू कॉटन एज नेचुरल फाइबर एंड ऑक्यूपाई इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडिया इकोनॉमी। जूट इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट ऑफ ऑल टेक्सटाइल फाइबर नेक्स्ट टू कॉटन। कॉटन के बाद ये सबसे चीपेस्ट सोर्स है इकोनॉमी के अकॉर्डिंग देखें तो। जूट इज हाउएवर आर पोटेंशियल फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स एंड मस्ट फाइंड इट्स प्लेस इन आवर इकोनॉमी। गनी बैग कारपेट्स for 3 days for the meat to set. Clear?
देन द फाइबर आर वॉश विद क्लियर वाटर, फिर उसको क्लियर वाटर में वॉश किया जाता है, छोटी से नेचुरल फाइबर द प्लांट इज इजी टू कल्टीवेट एंड हार्वेस्ट, द फाइबर इज ऑपरेट बाय हीटिंग, हीटिंग इज प्रोसेस इन विच द फाइबर इन द बार्क आर लूजेंट एंड सेपरेटेड फ्रॉम वुडी स्टॉक ड्यू टू द रिमूवल ऑफ पेक्टिन्स डॉग्स, दिस इज डन बाय द कंबाइंड एक्शन ऑफ वाटर एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म, किस कारण से इसको होता है फाइबर वाटर और माइक्रोऑर्गेनिज्म के एक्शन Mediterranean Sea.
सच्ची प्रोडक्ट इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर एल्कोहल एंड द स्पॉट एल्कोहल बेस्ड इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल होता है. एक्सिस बैगेसिस इज नाउ बीइंग यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द पेपर इंडस्ट्री. बिसाइड को जनरेशन ऑफ पावर यूजिंग बैगेजेस एज फ्यूल इज कंसीडर फैसिबल इन मोस्ट सुगर मिल. सुगर केन इज मिल्टेक प्लांट. ये मिल्टेक प्लांट है. सुगर केन इज क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप. सुक्रोज इज मेजर्ड इन सुगर केन बाय रेफ्रेक्टोमीटर. रेफ्रेक्टोमीटर से देखते हैं. ब्रॉडली देयर आर टू डिस्टिंक्ट एग्रोक्लाइमेटिक रीजन ऑफ सुगर केन कल्टीवेशन इन इंडिया. व्हाई ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल. ट्रॉपिकल रीजन से लगभग 45% एंड 55% ऑफ टोटल सुगर केन एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री एंड रिस्पेक्टिवली सब ट्रॉपिकल रीजन अकाउंटेड फॉर अबाउट 55-45% ऑफ टोटल एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ सुगर केन रेस्पेक्टिवली. क्लाइमेट की बात करें तो इट रिक्वायर रेनफॉल ऑफ 150 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर बिटवीन 20-26 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर और स्नोफॉल डैमेज द प्लांट. सुगर केन रिक्वायर अबाउट 25-22 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर गुड जर्मिनेशन. सॉइल की बात करें हैवी सॉइल विद गुड ड्रेनेज आर प्रिफर्ड फॉर सुगर केन कल्टिवेशन. सुगर केन की कल्टिवेशन के लिए हमें हैवी सॉइल की रिक्वायरमेंट रहती है. दो इट ग्रो वेल ऑन मीडियम एंड लाइट टेक्सचर सॉइल ऑल्सो विद एश्योर इरिगेशन. सॉइल में 0.5-0.6% कार्बन कंटेंट एंड पीएच 6.5-7.5 आर मोस्ट सुटेबल फॉर सुगर केन ग्रोथ. इन नॉर्दर्न इंडिया इट इज कल्टिवेटेड लार्जली ऑन द लोम एंड क्ले लोम ऑफ गैंगेटिक और अदर एल्यूमियम और इन पेनिनसुलर इंडिया. इट इज ग्रोन ऑन ब्राउन एंड रेडिश लोम लैटेराइट्स एंड ब्लैक कॉटन सॉइल. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ग्रो करते हैं. वैरायटी बच्चों की ध्यान रखना. अर्ली मैच्योरिटी पे कौन सी है, मिडिल एज पे कौन सी है, कॉटन यूजेज कौन सी है, सलाइन एंड क्लाइन वैरायटी. ठीक है, इन नेम सबके ध्यान कर लेना. प्लांटिंग टाइम की बात करें बच्चों, सुगर केन टेक जनरली 1 ईयर टू मैच्योर इन सम ट्रॉपिकल स्टेट. 2 साल लगते हैं बच्चों इसको. यूपी पंजाब हरियाणा राजस्थान बिहार कॉल्ड इक्साली. हाउएवर इन सम ट्रॉपिकल स्टेट इट मैच्योर 18 मंथ. मध्य प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र कॉल्ड अजसाली. ठीक है, स्प्रिंग केन इज प्लांटेड इन फेब मार्च. मार्च इज द बेस्ट टाइम फॉर केन प्लांटिंग इन पंजाब राजस्थान हरियाणा. फेब मार्च इन उत्तर प्रदेश इन जनरल फरवरी इन बिहार. द प्लांटिंग टाइम इज एडवांस एज वी मूव टूवर्ड ईस्ट. इन तमिलनाडु मध्य प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक केन प्लांटिंग इज डन इन दिसंबर फेब्रवरी. सुगर केन कैन बी प्लांटेड एज पर द रिकमेंडेशन फॉर रीजन. ऑटम प्लांटिंग एंड स्प्रिंग प्लांटिंग. ऑटम प्लांटिंग तो क्या है, बिटवीन सेप्टेम्बर टू अक्टूबर और स्प्रिंग प्लांटिंग होती है बैक टू मार्च. इम्प्रूव मेथड ऑफ प्लांटिंग शुड बी अडॉप्टेड लाइक डीप फॉरो ट्रैक मेथड रिंग पिक मेथड एंड पेयर्ड रो मेथड इंस्टेड ऑफ फ्लोरो सिस्टम. सीड रेट की बात करूँ बच्चों, सीड रेट इन सुगर केन वैरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन. सीड रेट जनरली वैरीज फ्रॉम 35,000-45,000 सीड ट्रीटमेंट की बात करते बच्चों, ट्रीट द सैक्स सून आफ्टर कटिंग इन 0.1% कार्बन डाइजीन सॉल्यूशन फॉर 15%. 3 इंपॉर्टेंट डिजीज की बता रहे हैं, रेसिसिव डिजीज, रूटन रूटन स्टंटेड डिजीज आर कैरिड फॉरवर्ड थ्रू सीड केन मटेरियल. इस डिजीज डिजीज के बारे में बता रहे हैं. ठीक है, आपको बस ध्यान रखना है कि सीड ट्रीटमेंट इसका किससे करना है. ट्रीट द सैक सून आफ्टर कटिंग. कटिंग के जस्ट बाद 0.1% 1 ग्राम पर लीटर कार्बन डाइजीन सॉल्यूशन फॉर 15 मिनट. ठीक है, ये ट्रीटमेंट हो गया. स्पेसिंग की बात करते हैं बच्चों, 60-100 सेंटीमीटर रो टू रो भरी जाती है इसकी स्पेसिंग. मैन्योर फर्टिलाइजर की बात करें तो पाउडर मैन्योर 20-25 टन पर हेक्टर, नाइट्रोजन 150 kg पर हेक्टर, P2O5 125 kg पर हेक्टर और K2O 100 kg पर हेक्टर. वीड मैनेजमेंट की बात करें बच्चों तो स्प्रे एट्राजाइन 2 kg और ऑब्जर्व फ्लोरो फैन 750 ml पर हेक्टर डिस्ट
ट्रॉपिकल इंडिया टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप का ऑप्टिमम ग्रोथ वैरीज फ्रॉम 2000 टू 3000 इंक्लूसिव ऑफ रेनफॉल. द रिक्वायरमेंट ऑफ वेन अर्थसाली क्रॉप इज प्रोपोर्शनली हायर दैट 200 टू 3500 एमएम इन सब ट्रॉपिकल इंडिया. द वाटर रिक्वायरमेंट इज 1400 टू 1800 एमएम इन ट्रॉपिकल इंडिया. इरिगेशन आर टू बी गिवन वंस इन 7 डे ड्यूरिंग जर्मिनेशन फेज 1 टू 35 डेज आफ्टर प्लांटिंग, वंस इन 10 डेज ड्यूरिंग टिलरिंग फेज, 36 टू 100 डेज आफ्टर प्लांटिंग, अगेन वंस इन 7 डेज ड्यूरिंग ग्रैंड ग्रोथ फेज 101 टू 70 डेज आफ्टर प्लांटिंग एंड वंस इन 15 डेज ड्यूरिंग मैच्योरिटी फेज 271 डेज आफ्टर प्लांटिंग अप टू हार्वेस्ट. एडजस्टिंग इट टू द रेनफॉल पैटर्न ऑफ द एरिया अबाउट 40 इरिगेशन आर नीडेड. इसमें इतनी सारी इरिगेशन चाहिए होते हैं. अबाउट 250 टन ऑफ वाटर इज नीडेड टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ सुगर केन. मेथड लाइक ऑल्टरनेट फॉर इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन मेथड कहते हैं. ट्रांस मल्चिंग कुड बी द यूज ऑफ इकोनोमाइज्ड यूरिया एंड 2.5% म्यूरेट ऑफ टास टू टाइम एट फोर्थ नाइटली इंटरवल ड्यूरिंग ड्रॉट पीरियड कुड हेल्प टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट ऑन द क्रॉप. क्रिटिकल स्टेज आर दोज ड्यूरिंग व्हिच सुगर केन इज अफेक्टेड सेपरेटली ड्यू टू वाटर स्ट्रेस. द लॉस कैन नॉट बी रेस्टिट्यूट बाय एडिक्वेट वाटर सप्लाई एट लेटर स्टेज. ठीक है, फिर आते हैं. दीज स्टेजेज आर कौन कौन से स्टेज होती है. एक तो होती है स्प्राउटिंग जिसे जर्मिनेशन कहते हैं, फॉर्मेटिंग स्टेज और टिलरिंग राइटनिंग इनिशिएशन ऑफ स्प्राउटिंग इन रूटेंस. इन केस ऑफ लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी वन मे सस्टेन सुगर केन प्रोडक्टिविटी बाय इरिगेशन इरिगेटिंग एट क्रिटिकल स्टेज ऑफ ग्रोथ. वाटर रिक्वायरमेंट इज 1500 टू 2500 अर्थिंग अप ऑपरेशन जो आल्सो नॉन एज मीनिंग अप में बोला जाता है. दिस ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन 2-3 स्टेजेस. द फर्स्ट अर्थिंग अप ऑपरेशन इज नॉन पार्शियल अर्थिंग अप एंड सेकंड एंड थर्ड इज नॉन एज फुल अर्थिंग अप. द पार्शियल अर्थिंग अप इज डन एट 45 फेज आफ्टर प्लांटिंग. पार्शियल अर्थिंग अप लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द फूड इज टेकन एंड प्लेस अराउंड द बेस ऑफ द सूट. सूट के बेस में लगा दिए जाते हैं. बाय डूइंग पार्शियल अर्थिंग अप द फ्लो इज इन विच द केन रो इज प्रेजेंट कैट पार्सल की पार्सल उस फूल को हमने उसे भर दिया. फुल अर्थिंग अप इज डन ऑन 720 डेज आफ्टर प्लांटिंग कंसिस्टिंग विद द पीक पिलर पॉपुलेशन स्टेज. ड्यूरिंग फुल अर्थिंग अप द सॉइल फ्रॉम रेंज इन बिटवीन इज फुली रिमूव एंड प्लेस नियर द केन ऑन आइदर साइड. दिस ऑपरेशन कन्वर्ट द फ्लो इन टू रेंज एंड रेंज इन टू फूल. क्या करता है ये ऑपरेशन. फिर आते हैं डी ट्रेसिंग रेफर टू रिमूवल ऑफ अनवांटेड वाटर ड्राई ग्रीन लीव्स. अनवांटेड लीव्स को हटाना प्री रेगुलर इंटरवल पे. सुगर केन स्टॉक बी अ लार्ज नंबर ऑफ लीव इक्वल टू द नंबर ऑफ इंटर नोड्स अंडर गुड मैनेजमेंट सिस्टम प्रोपोइंग द ऑपरेशन ऑफ ट्राइंग द लीव टुगेदर यूजिंग द वाटर ड्राई एंड ग्रीन लीव इज नॉन एज प्रोपोइंग. इट इज प्राइमरली डन टू चेक लॉगिंग ऑफ कैन को चेक करने के लिए किया जाता है. फिर आते हैं वाटर रिमूवल ऑफ वाटर सूट. वाटर सूट आर द लेट फॉर्म टिलर्स फॉर साइड सूट. टू साइड से निकल जाते हैं विच आर रूबस्ट और फास्ट ग्रोइंग. दे ऑरिजिनेटेड मेनली ड्यू टू प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ वाटर इन एडिक्वेट अर्थिंग अप लेट फर्टिगेशन. दीज वाटर सूट एज द नेम इंडिकेट कंटेन लॉट ऑफ वाटर एंड लेस सुक्रोज एंड मोर देन रिड्यूसिंग सुगर. वाटर सूट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द एडिक्वेट स्टॉक की ग्रोथ को ये अफेक्ट करता है. इसीलिए दे हार्बर इंसेक्ट पेस्ट एंड व्हेन दे आर हार्वेस्टेड इंसेक्ट टू मिल्क फॉर फ्रेशिंग नीड टू रिड्यूस जूस क्वालिटी एंड अफेक्ट सुगर रिजर्वर. देयरफॉर इट इज एडवाइजेबल टू रिमूव वाटर सूट. वाटर सूट को हम हटा देते हैं व्हेन दे अराइज. द वाटर सूट कैन बी यूज्ड एज कैटर फीड. हार्वेस्टिंग स्टेज की बात करें बच्चों तो क्रॉप एज और विजुअल सिस्टम्स की बात करें. क्रॉप एज की बात कर रहे हैं. हार्वेस्टिंग इज डन बेस्ड ऑन मैच्योरिटी ग्रुप. मैच्योरिटी ग्रुप पे डिपेंड करता है. फार्मर्स
पर्टिकुलर वैरायटी आर यूजुअली कन्वर्सेंट्स विद द हार्वेस्टिंग टाइम. इवन मोर सुगर फैक्ट्रीज गिव कटिंग ऑर्डर टू फार्मर्स बेस्ड ऑन क्रॉप एज क्रॉप एज के अकॉर्डिंग बेस से. वो दिस इज नॉट अ साइंटिफिक मेथड. सिंस प्लांटिंग टाइम क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस वेदर कंडीशन एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस मैच्योरिटी. विजुअल सिम्टम्स येलो इज ड्राइंग ऑफ लीफ. Metallic sound of mature cane when cracked. In appearance of sugar crystal glistening when a mature cane is cut in the slanting way and held against the sun are some of the visual instances of processing maturity of cane. The cane crop is considered fit for harvesting if it has attained a minimum of 60% sugar and 85% pure. ठीक है, ये इसकी कितनी होती है 60-70 टन पर. फिर आते हैं बच्चों सॉर्गम. सॉर्गम एक तरह का फूडर होता है. टेक्निकल नेम सॉर्गम बायकोलोर. फैमिली इसकी पॉइसी. ओरिजिन अफ्रीका में. टाइप ऑफ इंफ्लोरेसेंस पैलेट. टाइप ऑफ फ्रूट की बात करें हम तो क्रायोप्सिस क्रोमोजोम नंबर 20 लीडिंग स्टेट महाराष्ट्र. कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इसमें कितने होते हैं 72.6%. प्रोटीन कंटेंट 10.4%. फैट कंटेंट 1.9%. सॉर्गम इज कॉल्ड द किंग ऑफ
So to use pre-emergence applications of Atalgi at 150 kg per hectare in 650 liter of water to control weed absence. Manure and fertilizer see what we have manure with 10-15 ton per hectare, nitrogen 20 kg per hectare, P2O 40 kg per hectare, K2O 40 kg per hectare. Harvesting करते हैं बच्चों इसलिए कैसे harvest the crop by the green turn yellow जाती है after the crop will be ready in single cut variety for harvesting 65-75 days after sowing. In multi cut variety first cut should be done 45-50 days and subsequently cuts should be carried out in 1 month interval. Yield की बात करें hybrid variety 30-35 water per hectare and local variety की होती है for 10-15 water per hectare. अब आते हैं बच्चों पार्ट मिनट पे. ठीक है next हमारी है botanical names का होता है Panicetum. Next आते हैं बच्चों पार्ट मिनट botanical name की बात करें तो Panicetum glaucum family की बात करें Poaceae origin Africa and fluorescence spike type of fruit Caroxys late stage in India Rajasthan percentage of carbohydrates 67% percentage of protein 11.5% fat content 5% India is largest producers of pearl millet in world highest production of millet in India is in Rajasthan productivity Gujarat में होती है C4 plant है Sorte plant है cross pollinated crop है proto entry founding millet test weight of hybrid millet is 5.7 gram millet contain ratio of fat among cereal weight has ratio of drought resistance capacity among cereal crop dwarfing gene of millet is test 23 kg climate देखिए बच्चों बाजरा ग्रो वेल इन ड्राई एंड वार्म क्लाइमेट कंडीशंस को मेनली हम ड्राई बाजरा ग्रो वेल से ज्वार मिला था हमने एंड इट्स ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप विल रिक्वायर लो एनुअल रेनफॉल कम चाहिए होता है पानी बिटवीन 40 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर आइडियल टेम्परेचर फॉर बाजरा कल्टीवेशन इज बिटवीन 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड 28-32 डिग्री सेंटीग्रेड इज बेस्ट बट मेनली तो 20-32 है बट मेनली बेस्ट कौन सा 20-32 डिग्री सेंटीग्रेड most weather is what this is during its vegetation growth. In North India, bajra is grown as kharif crop and in some southern part is grown as a summer crop providing irrigation. Soil की बात करें bajra can be grown in wide range of soil. It thrives best in loamy, sandy, loam soil having wide drainage. ठीक है? This crop does not prefer acidic and water rich soil. Avoid saturated soil for its cultivation. It grows successfully with the 7.5-8 pH. ठीक है वैरायटी का जो ध्यान पे लेना है कौन कौन सी वैरायटी है 1-2 वैरायटी का ध्यान रखनी है सीड रेट की बात करूँ तो 4-5 kg पर डायरेक्ट सोइंग 2-2.5 kg पर प्लांटिंग मेथड 500 मीटर स्क्वायर एरिया रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टर प्लांटिंग प्लांटिंग डिस्टेंस 40-45 मल्टीप्लाई 10-15 सेंटीमीटर प्लांट पॉपुलेशन 1,75,000 2 लाख प्लांट पर हेक्टर सोइंग टाइम मिड जून टू मिड जुलाई मैन्योर फर्टिलाइजर की बात करें तो कॉमन पहले होता है 10-15 टन पर हेक्टर नाइट्रोजन 80-100 के जी पर हेक्टर P2O 60-80 के जी पर हेक्टर और K2O जो है 40-50 के जी पर हेक्टर ठीक है इरीगेटेड एरिया है और अनइरीगेटेड एरिया की बात करें बच्चों तो फॉर्मियर मैन्योर हो गया 10 पर हेक्टर नाइट्रोजन 40-50 के जी पर हेक्टर वाटर मैनेजमेंट की बात करें बच्चों 3 इरीगेशन रिक्वायर्ड फॉर गुड प्रोडक्शन जर्मिनेशन टॉपिंग ग्रीन क्लीनिंग स्टेज एंड क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन वीड कंट्रोल की बात करें बच्चों गैप क्लीन एंड क्लीनिंग इज फॉलोड बाय टाइम अटैचिंग 0.5 kg पर हेक्टर बॉक्स वेल टू कंट्रोल वीड हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग की बात करें बच्चों द क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग व्हेन द ग्रेन बिकम हार्ड एंड कंटेन मॉइस्चर ठीक है टू मेथड कैन बी फॉलोड इन हार्वेस्टिंग बाजरा Ear head for cutting of entire plant by sticks. Stop the cut plant for 2-5 days in sun for drying. Grain can be separated by beating the ear head. Yield की बात करें average 50-20 quarter per hectare. Unirrigated में होता है 20-25 ton per hectare. Irrigated में होता है 35 ton per hectare. और फूडर है 300-400 per hectare. Rain should be stored at 12 to 14
ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट मेट्रो सीरियल्स